और मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बट जो लोग इन प्रावधानों का समर्थन कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो जब मंदिर गए थे तो इनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री, उससे बड़ा कौन भैया। नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार, आपके साथ मैं हूं दिव्या। आरक्षण के अंदर कोटे को लेकर एनडीए के दो घटक दल आमने सामने आ गए हैं। एससी एसटी को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जहां चिराग पासवान नाखुश हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था और मांझी ने चिराग पासवान को स्वार्थी तक बता दिया था। अब इसका जवाब देते हुए चिराग पासवान ने बड़ी बात कह डाली है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी द्वारा एससी एसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का समर्थन करना और चिराग पासवान के विरोध पर निशाना साधने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि जीतनराम मांझी के बयान को हमने सुना नहीं है। यदि उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है तो उनके बयानों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इस बीच हमने कई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संगठनों से बातचीत की है, सदन में मौजूद सांसदों से भी हमने बातचीत की है और इस बिल को लेकर आने वाले समय में अनुसूचित जनजाति के सांसदों के साथ सर्वदलीय बैठक की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया है उस फैसले से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में छुआछूत को लेकर विशेष प्रावधान दिया गया था, उसके बावजूद भी उनसे छुआछूत को लेकर उन लोगों को गांव से बाहर भी रखा गया। शादी विवाह में जब इस समाज के लोग घोड़ी पर चढ़कर शादी करने जाते हैं तो उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले में कहीं न कहीं इस समाज के लोगों को बांधने का काम किया गया है। खैर, क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप खुद सुनिए पहले इस वीडियो में। मांझी जी आपके बातों पर रखे हैं, अपनी बात बहुत कर रहे हैं कि केवल चार ही जाति के लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, मांझी जी के बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर क्योंकि इस दौरान मैंने कई अनुसूचित जाति संगठनों से मैंने बातचीत की, पार्लियामेंट में कई सांसदों से मैंने बातचीत की और संभवतः आने वाले दिनों में अनुसूचित जमात समाज से आने वाले सांसदों के साथ एक सर्वदलीय बैठक भी हम लोग करेंगे। ऐसे में मैंने इस बात को प्रमुखता से तब भी कहा था, पुनः एक बार दोहराता हूँ कि इसमें जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, इसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी शब्द का जिक्र भी नहीं है। अगर आप 550 पन्नों से ज़्यादा का ये जो ऑब्जर्वेशन आया है उसमें अगर आप टिप्पणियों को पढ़ेंगे तो कहीं पे भी अनटचेबिलिटी के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जबकि अनुसूचित जाति ये वो कास्ट हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है भारत के संविधान में, जिनका आधार ही छुआछूत रहा, जिनको समय समय पर सिर्फ और सिर्फ छुआछूत की वजह से गांव से बाहर रखा गया, इनको छूना पाप माना गया, इनको देखना तक पाप माना गया, ये वो जातियाँ हैं। तो ऐसी जातियों में क्रीमी लेयर का प्रावधान संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी ऐसे उदाहरण है जहां पे एक दलित युवक को घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है। हाल फिलहाल का उदाहरण, एक आईपीएस ऑफिसर ने सिक्योरिटी की डिमांड की ताकि वो घोड़े पे चढ़कर अपनी बारात को लेकर जा सके, और मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बट जो लोग इन प्रावधानों का समर्थन कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो जब मंदिर गए थे तो इनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री, उससे बड़ा कौन भैया, अगर उसके साथ भी आज की तारीख में भी छुआछूत होता है तो इसका आधार, डिस्क्रिमिनेशन का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है, इसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान संभव नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण में आरक्षण के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले के बाद से ही अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां चिराग पासवान ने इस फैसले को सही नहीं ठहराया और पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही, तो वहीं जीतनराम मांझी ने खुलकर इस फैसले का समर्थन किया था। जीतनराम मांझी ने चिराग पासवान पर हमला करते हुए भी कहा था कि क्या कुछ लोग ही शेड्यूल कास्ट का हक लेते रहेंगे, 76 साल तक उन लोगों ने इसका फायदा लिया,
कुल मिलाकर मांझी ने एससी एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सही बताया और चिराग पासवान जो इसका विरोध कर रहे हैं उसको गलत ठहराया। खैर, अब चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी की जो प्रतिक्रिया थी उस दौरान उसका जवाब दिया है, लेकिन चिराग पासवान ने जो है बहुत सहमे हुए तरीके से जीतन राम मांझी पर जो है प्रतिक्रिया दी है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।